हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है और क्यों होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये एक अस्थानिक गर्भावस्था होती है जब निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित हो जाता है। यह एक जानलेवा स्थिति है जिसके लिए आपातकालीन उपचार की जरूरत होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जरूरी बातें कुछ इस तरह हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में निषेचित अंडा गर्भाशय की मुख्य गुहा के बाहर प्रत्यारोपित होता है। यह अक्सर फैलोपियन ट्यूब में होती है, जिसे ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। कभी कभी यह अंडाशय उदर गुहा या गर्भाशय ग्रीव में भी प्रत्यारोपित हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भ्रूण बढ़ने के साथ साथ वह अंग फट सकता है जिसमें वह होता है। इससे गंभीर रक्तस्राव हो सकता है और मां की जान को खतरा हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आमतौर पर दवा या ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में शुरुआत में ज़्यादातर महिलाओं को पता नहीं चलता। लक्षणों के आधार पर 5 से 14 सप्ताह के बीच इसके बारे में पता चल सकता है। एक्टोपिक गर्भावस्था के लक्षण अस्थानिक गर्भावस्था वाली केवल आधी महिलाओं को ही 3 मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। पहला है मासिक धर्म का न आना, दूसरा योनि से रक्तस्राव तथा पेट में दर्द। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण आपकी फैलोपियन ट्यूब फट सकती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ नई नई वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। धन्यवाद।